सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के टॉप 5 माइनक्राफ्ट बट मोड। तो वीडियो को पूरा देखना, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी इन सभी मोड का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 5, माइनक्राफ्ट बट क्राफ्टिंग इज सुपर ओपी। इस वाले मोड को एक्टिव करने के बाद अगर आप कोई भी टूल बनाते हो तो वो ऑटो एन्चेंटिंग हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए देख ही लेते हैं। तो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल और मैं इसमें कुछ टूल बना के देखता हूँ कि ऑटो एन्चेंटिंग होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्वॉर्ड बनाया और वो ऑटो एन्चेंटिंग हो गया। बाकी मैं और भी टूल बना के देख लेता हूँ कि ऑटो एन्चेंटिंग होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्स और पिकेक्स भी बना लिया और मैं जब इसको हैंड में पकड़ता हूँ तो वो ऑटो एन्चेंटिंग हो जाता है। बाकी अगर आप भी इस मोड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4, माइनक्राफ्ट बट शेयरिंग ड्रॉप ओपी आइटम। इस वाले मोड को एक्टिव करने के बाद अगर आप शिप को शेयर करेंगे तो वो आपको ओपी आइटम देंगे। तो चलिए मैं इसको शेयर करके देखता हूँ कि ओपी आइटम देता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको शेयर कर रहा हूँ तो ये मुझे सुपर ओपी आइटम दे रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड, आप देख ही सकते हैं कि शिप को शेयर करने के बाद कितना ओपी आइटम मिलता है। नंबर 3, माइनक्राफ्ट रैंडम मॉब जनरेट ओपी एक्सट्रैक्चर। इस वाले मोड को एक्टिव करने के बाद किसी भी मॉब को किल करते हो तो वो एक्सट्रैक्चर जनरेट करके देता है। तो चलिए इन्हीं मॉब को किल करके देखते हैं कि एक्सट्रैक्चर जनरेट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से मॉब को किल करने के बाद एक एक्सट्रैक्चर जेनरेट हुआ है। अगर आप मॉब को किल करते हो तो 20% चांस होता है कि वो एक एक्सट्रैक्चर जेनरेट करके देगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नंबर 2, माइनक्राफ्ट गोलम ट्रेड ओपी आइटम। इस वाले मोड को एक्टिव करने के बाद गोलम को विलेजर की रक्षा करने की जॉब से छुटकारा दिला सकते हो। यानी कि इस मोड को लगाते ही अब से आप गोलम से ट्रेड भी कर सकते हो। चलिए हम गोलम से ट्रेड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं गोलम कितने महंगे सामान को सस्ते में दे रहा है। तो आप देख ही सकते हैं डट और वुड के बदले गोलम कितने महंगे सामान को सस्ते में ही दे रहा है। ये तो एकदम ओपी सा हो गया, अब से उन विलेजर की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप भी इन मोड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 1, माइनक्राफ्ट ईटिंग एवरी ओर। इस वाले मोड को एक्टिव करने के बाद आप ओर को भी खा सकते हो जिनसे आपको अलग अलग पावर भी मिलेगा। अगर आप एमरल को खाते हो तो आपको हीरो ऑफ द विलेजर का पावर मिल जाएगा। यदि आप डायमंड को खाते हो तो इससे भी आपको बहुत से पोषण इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि रेज जनरेशन, जंपिंग बूस्ट। गोल्ड इंगट को भी खाओगे तो पोषण ही मिलेगा। तो यह था आज का वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी इन सभी मोड का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।